हेलो गाइस, तो आज है ट्यूसडे और अभी बजने वाला है एक। आज मैंने बहुत ही लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी तक जो है खाना नहीं बना है, क्योंकि दोनों ने जो है इतना मतलब उदम मचा के रखा है, मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों जो है रिदा की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, तो वो भी इतना ज़्यादा फाइट करती है दोनों, लिटरली मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे से छीनना फाइट करना उनका स्टार्ट हो गया है। इन दोनों को हैंडल करना अब मेरे बस में नहीं है, तो बस अभी लंच बनाना बाकी है। तो आटा जो है जो ख़त्म हो गया था, तो कल रात को एक्चुअली मुझे रखना था लेकिन कल टाइम नहीं मिला, तो अभी इस वक्त मैं रख रही हूँ क्योंकि जब तक सब्जी बनेगी आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। और अभी लंच बनाना बाकी है, बट उससे पहले जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि घी बनाने के लिए मलाई मैंने निकाल के रखी थी, तो पहले अभी वो बनाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बनाया तो फिर जो है ये गर्म ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है एक साइड पे मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है और बस दूसरी साइड जो है मैं फटाफट से सब्जी रेडी कर दूँगी और प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी जो है वो बन जाए। और आज सिंपल जो है आलू और ग्वार की सब्जी बनेगी, तो इसको भी अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी और तब तक जो है वो आटा भी रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फटाफट से बन जाएगी रोटी। और यहाँ पे जो है मैं रिदा के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए बनेगी रागी पॉरिज। तो बस रागी को जो है पहले मैं ठंडे पानी से जो है अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लंप्स ना रहे, और फिर जो है उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको हल्का सा गर्म करके स्टर कर लूँगी, तो उसकी जो रागी पॉरिज है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे हो गया है घी रेडी और उसमें से जो है यहाँ पे निकली है, तो यहाँ पे जो है मावा बच गया है, तो इसमें जो है मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मिश्री
अभी अभी गर्म है तो इसमें जो है अच्छे से मिल जाएगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर डायरेक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे शाम को। और अभी बन रहा है पिज़्ज़ा, तो बस मैं जो है डो बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये जो कैमरा हिल रहा है वो रीदा है। और यहाँ पे जो है पानी में मैंने यीस्ट और थोड़ी सी जो है शुगर दोनों को मिला के जो है सेट करने के लिए रख दिया है। तो ये रहेगा 10 मिनट तक। और फिर जो है इसमें मैं आटा मिला लूँगी मैदे का। और मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया था कि आटा है या नहीं, ये मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया और मुझे थोड़ा सा आटा और चाहिएगा जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आटा ही नहीं है। यहाँ पे जो है डो हो गया है रेडी। बस इसको जो है मैं 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए बस रख दूँगी। तो सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और आज है वेनसडे। और कल तो जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट तो किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कल इतना ज़्यादा मुझे हेडेक था और इन दोनों ने तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया था। और पता नहीं रीदा तो आजकल उसको समझ में सब कुछ आता है और इतना ज़्यादा फाइट करने लगी है, इतना ज़्यादा स्क्रीमिंग, मुझे पता नहीं मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कल हेडेक हो गया था। अभी वो दोनों जो है जस्ट घूमने गए हैं तो मुझे टाइम मिला है कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकूं और आपको मैं दिखाती हूँ घर की हालत। ये देखो ये है घर की हालत। वो दोनों करके गए हैं और अभी इसको जो है क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब वो लौटेंगे फिर से ये यही होने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये हल्का सा सेट हुआ है, इसको अगेन जो है मैं प्रिपेयर करके वापस रख दूँगी। तो ये दोनों आ गए हैं वापस। और इसको जो है जस्ट अभी अभी सुलाया है तो बस अभी बनेगा पिज़्ज़ा। तो अभी सब कुछ करना बाकी है। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया था कि मैंने सोचा था कि पिज़्ज़ा बनाऊंगी आज क्योंकि बहुत दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी और बाहर का कुछ खाना नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बना लूँगी। तो एक्चुअली ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब भी मैं कुछ भी बनाने के लिए सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है मैं आज ये बनाऊँगी, मैं कभी भी जो है इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करती हूँ कि ये है या वो है या नहीं है कुछ भी। पहले तो ये हुआ कि जो बेस इंग्रेडिएंट होता है मैदा, वही मैंने चेक नहीं किया। मुझे लगा कि है डब्बा लेकिन उसमें से सिर्फ इतना सा निकला, तो फिर वो मैं जाके लेके आई। और टॉपिंग्स के लिए अभी ना ही मेरे पास कॉर्न है ना ही मशरूम, कुछ भी नहीं है क्योंकि मशरूम मुझे और नीतू दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो भी है नहीं। तो सिर्फ कैप्सिकम और प्याज जाएगा। Thank you.
और फिर जो है मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ी सी बटर गार्लिक ब्रेड भी बनाऊंगी, तो उसी के लिए जो है मैं बटर ढूंढ रही हूँ। और ओवन से जो है मैंने जो सामान निकाला है वो ये लेकर बैठ गई है। और इसको कुछ भी मतलब आप बोल नहीं सकते, अगर कुछ भी आप बोलेंगे क्या, कुछ भी अगर आप कहोगे भी तो वो रोने लगेगी जोर जोर से। रितू, सी, सी, नो, नो, रितू, नो, सी। और यहाँ पे जो है दो रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा राइज हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है मैंने डाला पिज़्ज़ा सॉस, फिर चीज़, फिर थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ी सी प्याज, और फिर जो है ऊपर से थोड़ी सी और चीज़। और ओवन को जो है मैंने ऑलरेडी प्रीहीट कर दिया था 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए। जब भी आप ओवन में कुछ भी बनाएं उससे पहले प्रीहीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो है मैं इसको रख रही हूँ 180 डिग्री पे और 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स परफेक्ट टाइमिंग है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो अच्छे से बेस जो है वो कुक हो जाएगा, बेक हो जाएगा। एक चीज जो मैंने सर्वियन से सीखी है वो है खाना खाने का तरीका।
और यहाँ पे जो है पिज्ज़ा रेडी हो गया है, मुझे निकालना है, बट रीदा यहाँ पे है तो पहले मैं उसको रख के आती हूँ फिर निकालती हूँ। और यहाँ पे जो है रीदा रो रही थी एक साइड पे और उसे कुछ नहीं, बस ये जो बना था वो सब उसे लेना था तो उसी की वजह से वो रो रही है। और जल्दी जल्दी में मुझे कुछ भी मिला नहीं तो मैं कितना बड़ा चमचा जो है वो उठाकर लाई हूँ तो इससे निकला नहीं। मैंने मेरे बचपन में ही घूमने के लिए अपनी पसंदीदा जगहों को सुनिश्चित कर लिया था और मैं अपने इस जुनून को आ फाइनली पिज्जा इज रेडी। तो बस गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश, रीदा को भी जो है जस्ट नहला दिया है। तो बस ये था आज का दिन और इस ब्लॉग को जो है यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।